हेलो एवरीवन, तो आज का स्पेशल रेसिपी है लौकी की। तो अगर आपके घर में कोई लौकी नहीं खाता है तो इस तरह एक बार बनाइएगा। आई एम श्योर कि उसे ये ज़रूर पसंद आने वाला है और बच्चे क्या बूढ़े दोनों मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैं एक मीडियम साइज की लौकी ली हूँ, करीब यह 500 ग्राम का होगा और इसे पील ऑफ करेंगे। तो आप जब भी ये रेसिपी बनाइएगा तो छोटे साइज का ही लौकी लीजिएगा, क्योंकि इसमें बीज छोटे छोटे सॉफ्ट होते हैं जिसे कद्दूकस करने के टाइम ये सेपरेट नहीं होते हैं। बड़े वाले के सीड्स हार्ड हो जाते हैं जिससे इस रेसिपी का स्वाद ख़राब हो जाएगा और खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। और इसके छिलके को अच्छे से निकाल लेंगे, मतलब इसमें जो हरा हरा रहेगा वो पूरी तरह से निकाल लेंगे। फिर अच्छे से छीलने के बाद हम इसके दोनों साइड्स को थोड़े थोड़े कट करके निकाल देंगे इस तरह। तो इसके बाद इसे वॉश कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे छीलने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसको इससे कद्दूकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो को जल्दी देख सके। तो मैंने सारे लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब इससे जो पानी रिलीज हुआ है उसे हमें निकालना है। तो हम इस तरह हाथों में थोड़े क्वांटिटी में कद्दू को लेकर पूरे एनर्जी के साथ इसे प्रेस करेंगे तो इससे सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तो हम इसी प्रोसेस से सारे लौकी से पानी को निकाल लेंगे। नहीं तो दोस्तों, एक और ट्रिक है जिससे हम इससे पानी निकाल सकते हैं। एक पतला कॉटन का कपड़ा ले, जैसे एक बड़ा साफ रुमाल, और इस पूरे लौकी को कपड़े में डालकर इसका पानी निचोड़ सकते हैं। आपको जो इजी लगे वो करिएगा। तो देखिए, पानी और लौकी दोनों को अलग कर दिया है हमने। और आप चाहें तो ये पानी को सब्जी के ग्रेवी में भी यूज़ कर सकते हैं या फेंक भी सकते हैं। मैं इसे फेंक दूँगी क्योंकि ये काले हो चुके हैं इसलिए। अब यहाँ हम लौकी लेंगे और इसमें सबसे पहले 2 चम्मच बेसन डालेंगे। तो यहाँ मैं अभी इतना ही बेसन यूज़ कर रही हूँ, पर बाद में इसमें ज़रूरत होगा तो उसके अकॉर्डिंग और भी बेसन यूज़ करेंगे। पर पहले ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। फिर इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को काट कर डालेंगे, 2 कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ा धनिया पत्ता, 1/2 चम्मच अजवाइन, इसे हम हाथों से क्रश करके इस तरह डालेंगे। फिर स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सबको हाथों से अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है तो मैं इसमें 1 चम्मच और बेसन डाल रही हूँ। तो हमने पूरे 3 चम्मच बेसन यूज़ कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो क्या है दोस्तों, ज़्यादा बेसन डालने से बाद में लौकी का टेस्ट चला जाएगा और बेसन का ही टेस्ट सिर्फ सब्जी में आएगा, इसलिए एक साथ ज़्यादा बेसन कभी ना डालें। पहले थोड़ा ही डालें, उसमें हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में और डाल सकते हैं। तो अब ये अच्छे से बाइंड हो जा रहा है, देखिए। तो ये हमारा ये मिक्सचर बनकर रेडी है। अब इसे हम फ्राई करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल डाला हुआ है और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें लौकी को गोल गोल पकौड़ी की तरह तल लेंगे। तो देखिए, पहले थोड़ा क्वांटिटी में इसे हाथों में लेकर इसे इस तरह गोल कर लेंगे, फिर इसे तेल में डाल देंगे इस तरह। इसका शेप भी अच्छा आएगा जिससे देखने में ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह हम सारे मिक्सचर को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम पहले थोड़ा हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, फिर इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। और इस तरह ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा लौकी के सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसके लिए हमें ग्रेवी तैयार करना है। तो चलिए अब ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। पर दोस्तों, आप चाहे तो इस तरह भी अपने बच्चों को ये ब्रेकफास्ट या टिफ़िन में दे सकते हैं, उन्हें ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो अब ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे और कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। उसके बाद इसमें एक बड़े साइज़ को प्याज को रफली कट करके डालेंगे।
फिर इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च को कट करके और थोड़ा अदरक को भी कट करके डालेंगे। तो इसे हमें फाइन चॉप नहीं करना है क्योंकि इसे हम बाद में ग्राइंड करेंगे इसलिए। फिर इसमें 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग और आधा चम्मच जीरा डालकर इसको फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज हल्का सॉफ्ट ना हो जाए। तो लाल बिल्कुल नहीं करना है, कलर चेंज होने से पहले इसे हम प्लेट में निकाल कर इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब प्याज हल्का सॉफ्ट हो चुका है तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो अब यह ठंडा भी हो चुका है तो इसे अब मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसका पेस्ट भी तैयार हो चुका है। तो हम फिर से इसी कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख देंगे और फिर इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, फिर थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ, 2 तेज पत्ता और सूखी हुई 1 लाल मिर्च को तोड़कर डालेंगे। और ये लाल हो जाएगा तो इसमें 1 चुटकी हींग भी ऐड करेंगे और फिर इसमें हमने जो पेस्ट बनाया है इसे इसमें डालकर 5 मिनट के लिए भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। और फिर इसके बाद इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को काटकर इसे भी भूनेंगे जब तक कि यह सॉफ्ट ना हो जाए और ये मसाले में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो यह जल्दी सॉफ्ट हो इसके लिए इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करेंगे। और फिर 4 मिनट के बाद कवर को हटाकर इसे अच्छे से मसालों में मिलाएंगे इस तरह। फिर इसी बीच इसमें हम 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें और इसे भी साथ में भूनेंगे। तो मसाले भी अब रेडी हो चुका है तो इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा पानी भी एब्जॉर्ब करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए और हम इसमें कोफ्ते को डाल सकें। तो इसके बाद अब इसमें उबाल भी आ चुका है तो इसमें अब हम कोफ्ते को डालेंगे और इसे फिर से 3 से 4 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि कोफ्ते की ग्रेवी और टेक्सचर बिल्कुल सही हो गया है यहाँ। तो अब लौकी के कोफ्ते की डिश बनकर रेडी है। गैस को अब बंद करेंगे और इसे आप रोटी, चावल या नान किसी के साथ सर्व कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर धनिया पत्ता डालकर इसे गार्निश करें। तो ये प्लेट हमारा रेडी है। तो दोस्तों देखिए इसके कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं। तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तब तक के लिए बाय।